टीकाकरण त्योहार को लेकर जिला प्रशासन की व्यापक तैयारी। कोरोना वायरस के विदेशों में नए एवं खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हुआ है। जिले में हर व्यक्ति तक टीकाकरण पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना टीकाकरण त्योहार के रूप में चलाया जाएगा। इसके लिए 12 दिसंबर को एक दिन में 1,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी विभागों से सहयोग लेकर व्यापक तैयारी की गई है। स्कूली बच्चों की रैली निकालकर ग्रामीणों को कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट से बचने एवं टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के द्वारा लोगों को प्रेरित करने हेतु शिक्षण समय के पहले अथवा बाद में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक टीकाकरण पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 12 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। जिले के सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश शर्मा, आपके जिले का जिला पंचायत सीओ, आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि अभी हाल ही में कोरोना को लेकर के तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य जगत में काफ़ी चिंता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 12 दिसंबर 2021 को हम सब मिलकर के एक दिन टीकाकरण के लिए महाअभियान कोरोना टीका तिहार के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपके क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के पंचायतों में, हर गांव में हमने टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की है, जिसमें शासन के जो कर्मचारी हैं वो और महिला समूह आप सबके घरों तक पहुंच रहे होंगे, आपको इस त्यौहार के लिए न्योता दे रहे होंगे। मैं भी आप सबको इस त्यौहार के लिए न्योता देता हूँ। आप सब इस कोरोना टीका तिहार में आइए, और जो भी आपके परिजन छूटे हुए हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया है या जिनका आप दूसरा डोज ड्यू हो गया है, उन सबको लेकर के आप टीकाकरण केंद्रों तक आइए और उनको टीकाकरण करा करके हमारे जिले को सुरक्षित करने में अपना योगदान दीजिए। आप सबका कोरोना टीका तिहार में बारंबार स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कुंडनार। कोंडागांव से राज शार्दुल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।